हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आप एक एलसीडी जो टीवी होती है उसकी बैकलाइट को किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास है एलसीडी टीवी है जिसका कंपनी आप या फिर मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिमोट में लिखा हुआ है थॉमसन कंपनी की है ये टीवी है, और इसकी जो है ये बैकलाइट पैनल ख़राब हो गया है, मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, तो चेक करने का तरीका है तो इस टाइप की कुछ आपको सुपर एलईडी टेस्टर यानी कि एलईडी बैकलाइट टेस्टर मिल जाती हैं। तो इसमें आप किस तरह से टेस्ट करेंगे, जिससे भी आप एक तरफ आपको इनपुट देंगे एसी इनपुट देंगे, यहाँ पर आपको कितनी एलईडी वोल्टेज ले रहा है वो डिस्प्ले होगा, ये साइड में आपको ऑन ऑफ का एक बटन मिल जाता है, और आउटपुट में आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे सप्लाई मिल जाता है, जो कि मॉडल नंबर है CA300 वोल्ट। ठीक है, क्रिएट ऑल जो है मॉडल नंबर है, इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है, और AC/DC आउटपुट है, और आउटपुट में आपको यहाँ पे 0 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट DC मिलेंगे। इनपुट में आपको 85 वोल्ट से 265 वोल्ट के बीच में आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है चलिए, तो इसकी जो प्लस माइनस का पॉइंट है वो बहुत अच्छा शार्पनेस के साथ आता है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे क्वालिटी में यहाँ पे आपको मिलती है, ये प्लस माइनस दोनों रहती है, आपको इसको टेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो चलिए जैसे फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बैकलाइट किस तरह से टेस्ट करेंगे, कितना बैकलाइट इसका ख़राब है, क्योंकि मैंने जब इसका बैकलाइट चेंज किया तो 30 सेकेंड के बाद ही फिर बैकलाइट ख़राब हो गया, पता नहीं कौन सा बैकलाइट ख़राब हुआ है क्या हुआ है। तो अब इसको सब ठीक करेंगे, चेक करेंगे किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो जितना भी स्क्रू है मैंने सब इसको खोल के रखा हुआ हूँ। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगा, और हमेशा पैर में सेफ्टी रखना चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट तो डीसी आउटपुट दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको करंट भी लग सकता है, इसमें लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सेफ्टी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्टर को मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ, और इसकी जो कवर है उसको मैं निकालता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पहले से ही ओपन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसकी जो सेंसर वेंसर है सब मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेंसर को खोला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें रिमोटली ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इसकी जो पावर है इसको निकाल लेता हूँ, बाद में मैं इसको लगा दूँगा। तो ये जो स्पीकर का है वो निकाल लेता हूँ, ये है बैकलाइट का पॉइंट है, ये है उसका बैकलाइट टेस्टर। ठीक है, इसमें आपको वोल्टेज दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपको 300 वोल्ट मिल रहे हैं, ये पॉइंट को आपको टच करना नहीं है। ठीक है, शॉर्ट करना नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें। तो चलिए हम इसमें प्लस माइनस को चेक करेंगे। ठीक है, सावधानी के साथ आपको चेक करना होगा, पैर को ज़मीन में नहीं टच करना है, या तो उंगली में टच करना है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर रख लेता हूँ, और एक तरफ ये नेगेटिव को दे देता हूँ और दूसरी तरफ पॉजिटिव को देता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा लाइट ब्लिंक किया फिर चला गया, यानी कि हमारा बैकलाइट में इशू है। देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, अगर मैं इस जगह पे कोई अलग सा बैकलाइट को लगाऊंगा तो क्या उसमें फ़र्क आएगा। तो दोस्तों मेरे पास दो बैकलाइट हैं, अगर मैं इन दोनों को चेक करूँगा तो क्या इसमें फ़र्क आता है देखिएगा आप। ठीक है, इसका प्लस माइनस रहता है, आप एक बार चेक कर लीजिए, प्लस कौन किधर तरफ है माइनस किधर तरफ है, तो इसका माइनस इधर तरफ है और उसका अपोजिट डायरेक्शन में प्लस है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा, तो यहाँ पे ब्राइटनेस ग्लो हो गया है, और यहाँ पर लगभग 21.9 से 22 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, और ये स्ट्रिप अच्छे से ग्लो कर रहा है। सेम टू सेम ये जो बैकलाइट है इसको भी हम चेक करेंगे इसके प्लस माइनस देख के। ठीक है, तो प्लस आपका इधर तरफ है, माइनस उधर तरफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस में रखा और यहाँ पे माइनस में रखा, तो ये देखिए दोस्तों ये 22.5 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, 1-2 वोल्ट का फर्क है, लेकिन ये जो बैकलाइट हमारा लगा हुआ है टीवी में ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सी हल्की सी ब्लिंक किया फिर बंद हो गया, यानी कि इस वाली बोर्ड को हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्टर काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेस्टर कितना सही है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एलईडी ले रहा हूँ, जिस जो कि 5 वोल्ट से आराम से चल जाती है, जो कि RB है, रेड ब्लू ऑटो फ्लैशिंग में मोड में है।
ठीक है, ये कितना वोल्टेज लेता है ये हम चेक करेंगे। 3 वोल्ट में चलता है, 4 वोल्ट में चलता है या 5 वोल्ट में चलता है, ये हम इसमें मल्टी जो है टेस्टर है उसमें हम पता कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी हम चेक करते हैं और कितना सही है कितना ख़राब है वो हम चेक कर लेंगे। तो इसको कहीं एक जगह पे रख देता हूँ और मेरे को जिससे आसानी हो टेस्ट करने के लिए। तो इसकी प्लस माइनस रहती है, तो मैं प्लस को मेरा राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ और माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ। तो मैंने टेस्टर को चालू कर दिया हूँ, जिस तरह से मैंने राइट हैंड साइड में प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फुल ब्राइटनेस में यहाँ पे 6 वोल्ट का आसपास, 6.16 वोल्ट का आसपास ये वोल्टेज ले रहा है और ये जो लाइट है अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, यानी कि 6 वोल्ट में भी ये लाइट LED और अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप LED का प्रॉपर वोल्टेज भी आप इसमें पता कर पाएंगे और ये टेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो 3 वोल्ट का है वो 3 वोल्ट लेता है, जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट लेता है और जो 6 वोल्ट है 6 वोल्ट लेता है। मान लीजिए ये हमारा जो स्ट्रिप लगा हुआ है, इसमें जो लाइट लगी हुई है, ये एक एक LED कितना वोल्टेज का है वो भी हम इसमें पता कर पाएंगे। और ख़राब भी होने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप सिंगल LED भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ टेस्ट करके। तो ये मैंने माइनस लगाया इसमें और इधर मैं अगर प्लस लगाता हूँ तो इसमें एक्चुअल वोल्टेज कितना ले रहा है, 22.1 ले रहा है, 22 वोल्ट ले रहा है, मतलब ये वोल्टेज शो हो रहा है। अब चलिए दोस्तों मैं सिंगल LED का भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये देखिए सिंगल LED चेक किया तो इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, यानी कि ये जो वोल्टेज प्रॉपर ले रहा है वो ले रहा है 3 वोल्ट ले रहा है। फिर 2 LED का भी हम चेक करेंगे तो इसमें लेगा आपका 6 वोल्ट, ठीक है। फिर 3 LED अगर हम यहाँ पे चेक करूँगा तो ये लेगा आपको 9 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 4 LED के लिए लेगा तो ये लेगा आपका 11.7 यानी कि 12 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये LED टेस्टर से आप LED ख़राब नहीं होता है चेक कर सकते हैं। तो ये LED टेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप इसमें खरीद सकते हैं, आपके काम पे बहुत आएगा। आज की वीडियो में दोस्तों ये LED टेस्टर के ऊपर में था और ये सुपर LED टेस्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, और अच्छी लाइट के साथ आता है, अच्छी रेट में आता है, आपको लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। और ये आप अगर LED का काम करते हैं तो LED चेक करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल LED का चेक किया तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रेड LED कितना वोल्ट चलता है, ग्रीन LED कितना वोल्ट में चलता है, वाइट LED कितना वोल्ट में चलता है, ब्लू कितना में चलता है। तो इसको जो कन्फ्यूजन होती है तो ये टेस्टर आपके सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और आप अगर झालर बनाते हैं तो झालर में कितना वोल्टेज में कितना LED आपको लगाना है वो भी आप इसमें पता कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका मैक्सिमम है 6 वोल्ट, तो उसी हिसाब से अगर आपका 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट में आपको 6 डिवाइड कर दीजिए तो आपका 35 से 40 बल्ब आराम से इसमें एक AC लाइन में चल जाएगा, ठीक है, 200 वोल्ट में आराम से चल जाएगा। क्योंकि आप इसमें जीनर डायोड लगाएंगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज 50-60 वोल्ट का ड्रॉप होता है। तो मान के चलिए 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट में आपको डिवाइड कर दीजिए 6 वोल्ट में, तो आराम से आपका 40 भी लगा सकते हैं या 30 से 40 के बीच में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका झालर ये RB जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कितना रेजिस्टेंस लगाना है, कितना बल्ब लगाना है। आई होप दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है और ये अगर टेस्टर अच्छी लगी तो ये टेस्टर आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टर है, ठीक है। बैकलाइट का काम करते हैं या LED का कुछ भी काम करता है तो ये टेस्टर आपके पास जरूर होना चाहिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।